का जो है ना, ये इन्होंने ये ट्रैक बिछाया है जो दिल्ली से जो है ना इम्फाल जाने में, बिल्कुल मणिपुर पहुंचने में जो है बहुत आसानी हो जाएगी। पहले जो है ट्रैवलिंग के जरिए जाया जाता था बिल्कुल बाय रोड, अब जो है इन्होंने ये ट्रैक बिछा दिया है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया कि आपके कमेंट्स का, आपकी मोहब्बत चाहत का, तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है ट्रेन टू इम्फाल पीपल ऑफ मणिपुर वेलकमिंग ट्रेन इंजन अपॉन। ये है मणिपुर और यहाँ पर खोंगसांग स्टेशन पर जैसे ही रेलवे इंजन पहुँचा, लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और स्टेशन पर जिस तरीके की चहल पहल देखी जा रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर के लिए रेलवे कितनी ज़रूरी है। यहाँ पर लोक नृत्य भी हो रहा है, तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं जो एक तरीके से इस इंजन की अगवानी कर रहे हैं। भारत सरकार ने मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम बहुत तेजी से किया है, और हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों की कनेक्टिविटी रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी सिलसिले में मणिपुर को रेलवे नेटवर्क पर लाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जो जिरीबाम से इम्फाल को सीधा सीधा कनेक्ट करेगी। जिरीबाम से इम्फाल तक की रेलवे लाइन का काम तकरीबन 86% पूरा हो चुका है, और ये स्टेशन जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्टेशन इन पहाड़ों के बीच में लोगों की सहूलियत बनेगा, क्योंकि मणिपुर पहुँचना आसान नहीं है, और मणिपुर पहुँचने के लिए जब सीधी सी रेलवे लाइन पड़ जाएगी पूरी तरीके से, तो दिल्ली से आप राजधानी ट्रेन में बैठेंगे और सीधा इम्फाल पहुंचेंगे। तो इस तरीके की योजना है, और यहां पर लोगों की खुशी देखते ही बनती है। और यहां पर जब इस स्टेशन पर रेलवे इंजन पहली दफ़ा पहुंचा, तो यहां का उत्साह वाकई ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है ये काम भारतीय रेलवे का, जो मणिपुर को सीधा सीधा रेल लाइन से जोड़ रहा है। जी सिमल, आपने देखा कि एक हाँ। और रेलवे तो आपका वैसे ही फेवरेट है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखी इतनी ज़बरदस्त ये वीडियो, इसमें जो बताया गया है कि भाई खटमंडू इम्फाल का जो है ना, ये इन्होंने ये ट्रैक बिछाया है जो दिल्ली से जो है ना इम्फाल जाने में, मणिपुर पहुंचने में जो है बहुत आसानी हो जाएगी। पहले जो है ट्रैवलिंग के जरिए जाया जाता था बाय रोड, अब जो है इन्होंने एक ट्रैक बिछा दिया है हाँ। जिसमें कि ट्रेन के थ्रू जो जाया जा सकता है। जब ये अभी 86% काम मुकम्मल हो चुका है, कितना रह गया, 15% रह गया, तो 15% भी कुछ दिनों में जो है मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये इंजन के आने से कितनी, यानी कि उन लोगों में जो है ना एक खुशी की लहर दौड़ गई है, हमारे दर्शन कर रहे हैं, एक नया स्टेशन और नया जो है ना वो ट्रैक बिछा दिया गया है। एक ये भी एक देखें कि मैं ये देख रहा हूँ, बल्कि एक तो ये कि अपने देश में जो है जो तरक्की हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन दूसरे देशों के साथ यानी कि दूसरे मुल्कों के साथ भी जो है ना अपने रवाबित उनके बहुत अच्छे हैं, तो लाजमी बात है उनके साथ जो ट्रेड उन्होंने करनी है, कुछ आमदोरफ्त रहेगी, कुछ लोग दो सफ़र के थ्रू जो है कुछ रोज़गार मिलेगा लोगों को, और कुछ जो है ना कोई चीज़ें बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में, और बल्कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जो है ना वो उन लोगों ने जो है ना अपना एक ट्रेक बिछा दिया है, जिससे कि आसानी हो जाएगी, और कितना बड़ा एक बेनिफिट इंडियन रेलवे को कि एक नया ट्रैक बिछाया और नई ट्रेन चल जाएगी, तो उस पर जो है ना यानी कि उनको ट्रेन की बहुत नीड है, ज़रूरत है आने जाने में, सफ़र के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। जब भी जैसे ही इंजन आके रुका तो वो बहुत खुशी का इजहार करने लग गए कि उनके शहर में भी जो है
ट्रेन का इंतजाम हो गया है और ट्रेनें चलने लगेगी तो उनके लिए सहूलतें हो जाएंगी, तो इसलिए वो खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी हाँ बिल्कुल, जब लाजिमत है कुछ ट्रेन जो है कुछ बेनिफिट पहुँचाएंगे तो एक से दो, दो से तीन बिल्कुल बढ़ती जाएंगी। जब इन्होंने ये यहाँ तक का सफ़र हो गया, एक स्टेशन बन गया, इससे आगे दूसरे स्टेशन बनेंगे, तीसरे बनेंगे, चौथे, मानो ट्रेक आगे बढ़ता चला जाएगा, जो आमदनी आ रही है तो उस हिसाब से। अच्छा मणिपुर का जो अगला अपना भी तो ट्रेक होगा ना, तो इन्होंने वहाँ तक तो पहुँचा दिया, आगे के जो सिस्टम है वो भी जो ना आप उसको जो है ना, जो ट्रेन चलेगी तो वो और मज़ीद भी आगे जा सकती है, तो और मज़ीद जो है इनकम में जो इजाफा होगा, ऐसे लोग जो बेरोज़गार होंगे वहाँ पे मणिपुर में उनको भी रोज़गार मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है उनकी, बहुत बड़ी जो है ना एक प्रोग्रेस है कि उन्होंने इतना बड़ा जो है ना एक टारगेट था वो भी मुकम्मल कर लिया कि अपने बराबर में जो मुल्क है उसके अंदर भी जो उन्होंने ये ट्रैक बिछा दिया, तो ये उन लोगों के लिए भी सहूलत हो गई जो लोग वहाँ रह रहे हैं, और इधर वालों के लिए भी सहूलत हो गई कि ये लोग आराम से जो है ना आ जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में मिलती हैं और वहाँ से ले जा कर जो है ना लोग अपने मुल्क में जो है ना बेचते हैं, तो कुछ वहाँ से ले कर वहाँ बेच सकते हैं, तो बड़ी ये आमदोरफ्त जब होती है तो बड़ी चीज़ों को जो है ना फ़ायदा होता है। वो लोग जो बेचारे बसों के ज़रिए सफ़र करते थे छतों पर बैठ के या ट्रैवलिंग में जो बड़ा टाइम लगता है और कितनी तकलीफें होती हैं और पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, बल्कि बाय ट्रेन जब भी सफ़र करता है तो उसमें एक तो पैसों की भी बचत है और बंदा लेट के भी जा सकता है और बुनियादी आराम से जा सकता है, बुनियादी सहूलत हैं कि वाशरूम का इंतज़ाम होता है और बहुत सारी बुनियादी सहूलतें हैं कि वहाँ पे बैठ के अंदर कुछ ना कुछ खाने को भी मिल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरे ख्याल से टिकट भी सस्ती होगी, हाँ टिकट का इन्होंने नहीं बताया अभी, तो स्टार्ट ही नहीं, जब स्टार्ट होगी तो पता लगेगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं, अंदर के स्टेशन का भी व्यू नहीं दिखाया कि स्टेशन, क्योंकि अभी वो मेरे ख्याल से हुआ नहीं है कम्प्लीट, हुआ नहीं, इतना भी नहीं हुआ कि वो दिखाते हैं, जितना हुआ हुआ था वो दिखा रहे थे, इंजन रुकी हुई थी, पटरियाँ जो थी बिछी हुई थी, उन लोगों के लिए खुशी की बात, इंजन आ गया ट्रैक पे, उन्होंने जो ना बनाया ट्रायल बेसिस पे इंजन को भेजा होगा कि देखो कोई और मजीद क्या इसमें जो है ना नुक्स है या कोई चीज़ें हैं, तो वो भी वो मुकम्मल कर लें, फिर एकदम जो है एक डेट अनाउंस की जाएगी कि, और उस दिन तो मैं समझता हूँ कि इस जगह पे बड़ा जश्न मनाया जाएगा दोनों मुल्कों के दरमियान के, जहाँ से वो चलेगी और जहाँ पर आएगी तो दोनों जगहों पर जो है जश्न का समा होगा, तो जब भी कभी ये इफ्तिताह होगा तो फिर देखेंगे कि उस पर जो है उन लोगों ने क्या क्या सहूलियत दी है। और दोस्तों आपने देखा कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं मणिपुर में, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने गवर्नमेंट से आगाह करें कि कितने परसेंट काम हो गया, हो सकता है ये वीडियो जो है पुरानी हो, हमने तो अभी देखी, तो ऐसा होता है कि क्या पता मुकम्मल ही हो चुका और वो जश्न भी मना लिया जो इसका कि हम सोच रहे हैं कि होगा और इस तरह होगा, तो अभी हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि भाई ये मणिपुर में मुकम्मल हो चुका है और कितना अर्सा हो गया है और किस तरह का जश्न था, अगर वो वीडियो हो तो उसका लिंक ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों जहाँ पर आप रहते हैं मणिपुर में, वहाँ की कोई चीज़ों का हमें बताएं कि वहाँ की क्या चीज़ और वहाँ की सकाफत, वहाँ का कल्चर जो है किस तरह का है, क्योंकि जब हम देख रहे थे तो वो डांस कर रही थी खवातीन, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का लिबास भी चेंज है, शायद वो लाजमी होते, वो बिल्कुल करीब से ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था और डांस कर रही थी और वो डांस स्टेप्स भी चेंज थे, हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसलिए तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो कल्चर और वहाँ का जो रहने का जो तरीक़ेकार है वो भी मैं समझता हूँ आम देशों से जुदा है। अच्छा एक चीज़ और कि जिस जगह पे ये स्टेशन बनाया है दोनों तरफ में पहाड़ी इलाका है, इनके व्यू बड़े प्यारे लग रहे हैं इनके पीछे के, और ये अंदर से कितना खूबसूरत होगा, तो इस पर जो है हम देखेंगे कोई अगर हमें वीडियो मिलती है तो मणिपुर के हवाले से तो हम उस पर जो है रिएक्शन देंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज हो तो ज़रूर हमें आगाह करिएगा, वो दोस्त जो वहाँ जा चुके हैं मणिपुर और वो दोस्त जो जिन लोगों को पता है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो ज़रूर अपने कमेंट्स आगाह करें, और इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें, चलते चलते हमारे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पर पड़ोसियों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।